गणेश श्री गणेश बस बस तुम्हारी उद्दंडता की अति हो चुकी है। सत्य कहा आपने, आपने आप सब मेरे साथ अति ही कर रहे हैं। तुम्हारा अहंकार सभी सीमाएं लांघ चुका है। क्यों ना करूं अहंकार, देखिए अपने सभी गणों को, पशुओं को जिन्हें मैंने पराजित किया है, अकेले अपने बल से। मुझे तो इस बात पर भी आश्चर्य है कि आप यहाँ आए। मैंने आपको भीतर जाने से रोका और आप मुझसे युद्ध करने के स्थान पर वहाँ वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान करने लगे। और जब आप विश्राम कर रहे थे तो आपने इन सभी को भेज दिया मुझसे युद्ध करने, जिसमें मैंने इन सभी को परास्त किया। इससे तो आप प्रारंभ में ही मान जाते। मैंने तो तभी कह दिया था कि मैं किसी भी अवस्था में आपको रेखा के आगे नहीं जाने दूंगा। इतना समय हो गया है, मैं देखती हूँ मेरा पुत्र कहाँ है, क्या कर रहा है। अखंड ज्योति की लौ इतनी तीव्र हो गई है, अवश्य इसका ग्रित समाप्त हो रहा है। अखंड ज्योति तो शुभता का प्रतीक है, ये सदा प्रज्वलित रहे, इसके प्रति मुझे सहज रहना चाहिए। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म सरना तंड रहते हैं, रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते सभी नाम नहीं रहे। अब ऐसी बात करने वाले को भैरू क्या नहीं तो और क्या कहूँ, मुझे तो लगता है कि ये कोई बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं। यदि आप नहीं रुके तो मैं आप पर प्रहार करने पर विवश हो जाऊंगा। भस्म कर दिया इन्होंने। कैसे? ये तो वही भस्म है जो इनके डमरू बजाते ही इनके देह से निकला था। आपने मुझसे वो छीनने का दुस्साहस किया है जो मुझे मेरी माँ ने दिया था। अब उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए।
त्रिशूल तो मेरी ओर ही बढ़ता आ रहा है, इसे कैसे रोकूं? मुझे बताइए माँ, मैं आपके सभी दुख मिटा दूंगा। मुझे तो एक ही दुख है, मैं जिन पर भी अपना स्नेह न्यौछावर करती वो सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। आज मुझे अपने मातृत्व की पूर्णता का सुखद आभास हो रहा है। माँ, अब मैं आपकी रक्षा के लिए पूर्णता तैयार हूँ। अब मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। यही समझ लो, मैं सर्वत्र हूँ और कहीं भी नहीं। ये तो सर्वत्र व्याप्त है, कहीं इन्हें पहचानने में कोई भूल तो नहीं हुई मुझसे। मेरे मन में किसी अज्ञात अनिश की आशंका क्यों घर करती जा रही? कितनी विचित्र बात है, ये सभी दीपक स्वतः ही बुझ गए। ज्योति की लौ भी ऐसे फड़क रही है कि वो भी एक बार फड़क पर बुझ जाएगी। अभी तो इसमें बहुत गिरक शेष है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? कहीं कुछ तो घटित हुआ है जो मुझे इतना व्याकुल कर रहा है। क्या हुआ पार्वती, इतनी विचलित क्यों हो रही हो? मेरा पुत्र, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? वो सुरक्षित तो है? तुम्हारा पुत्र बाहर ही होगा, जहाँ तुमने उसे द्वारक्षा के लिए खड़े रहने के लिए कहा था। और यहाँ कैलाश में उसे क्या अहित हो सकता है? तुम निश्चिंत रहो, वो अवश्य सकुशल और सुरक्षित होगा। फिर मेरा हृदय व्यथित क्यों हो रहा है? अब इस बालक के भयंकर अंत के पश्चात महादेव का कोप शांत होकर ग्लानि का रूप ले रहा है। क्या कर रहा हो और उसका क्या कारण है, ये आपको क्यों बताऊं? इतने समय से सभी को यही समझा रहा हूं कि मैं अपनी माँ की ही बात सुनता हूं और उनका आदेश कदा भी नहीं टल सकता। अब तो मृत्यु भी मुझसे पराजित हो गई, अपनी माँ की शक्ति से रक्षित हूं मैं, हुआ है, किंतु अहंकार का परिणाम भीषण ही होता है। अहंकारी अपने अहंकार से न केवल अपना सर्वनाश करता है, अपितु अपने प्रियजनों को भी दुख पहुंचाता है। अनर्थ, घोर अनर्थ हुआ है ये। इतनी अल्पायु में इतने कोमल सुकुमार पार्वती पुत्र का इतना भयंकर अंत हुआ है, कितना अपार कष्ट हुआ होगा उसे, और अब देवी पार्वती पर क्या बीतेगी? माता का दुख तो मुझे भी व्याकुल कर रहा है। देवी पार्वती, तुम
तुम्हें होने वाली अपार पीड़ा की कल्पना मात्र से ही अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारे हृदय को होने वाली असीम पीड़ा की कल्पना से आहत हूँ मैं। आज देवताओं ने घोर अपराध किया है। अपने दम के कारण एक अबोध बालक से संघर्ष कर उसे इस अवस्था में पहुंचा दिया। अपने इस कृत्य के लिए देवताओं को दंड अवश्य मिलेगा। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? आप तो देवराज, आपको तो स्थिति संभालनी चाहिए थी, किंतु आपने आपने तो अग्नि में खिंच जाने का ही कार्य किया, जिसका परिणाम इतना भयंकर हुआ। ये उचित नहीं किया आपने। जो हुआ वो अनुचित था। सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है आप देवताओं, उसका परिणाम आप सभी को भुगतना ही होगा। असत्य है ये, असंभव है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता देवी। यही सत्य है, आपकी कुदृष्टि कुछ भी कर सकती है, और ये भी आप ही की कुदृष्टि के कारण हुआ है, किंतु परिणाम आपको ही नहीं सभी देवताओं को भुगतना होगा। देवताओं और उनके साथ साथ समस्त संसार पर इस घटना का क्या प्रभाव होगा, ये कौन कह सकता है? इन दियों का स्वतः ही बुझ जाना किसी बड़े अशुभ का संकेत क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे? वायु के तेज झोंके से बुझ गए ये सारे दीपक पार्वती, और क्या? इतनी कठिनाइयां, इतने कठोर तप के बाद तुम्हें तुम्हारा पुत्र प्राप्त हुआ, तो तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक है, परंतु ये चिंता व्यर्थ ही है, इस चिंता को त्याग दो। हाँ, और अभी कुछ ही समय पूर्व तो तुमने उसे द्वार रक्षा के लिए बाहर नियुक्त किया था, और यहाँ कैलाश में उसका क्या अहित हो सकता है भला? फिर तुम्हारे द्वारा दिया गया दिव्य दंड तो उसकी रक्षा कर ही रहा है ना, इसलिए अपनी चिंता त्याग दो। और इन सारे बुझे हुए दियों को हम पुनः ही प्रज्वलित कर लेंगी, है ना? और इसी बीच तुम स्वयं अपने पुत्र को देखाओ, तब तुम्हारी चिंता स्वतः दूर हो जाएगी, उचित है? चलो विजय। मेरा हृदय कंपित हो रहा है, मन शांति नहीं हो रहा, जैसे कि किसी अज्ञात व्यथा ने घेर लिया हो मुझे, जिससे मैं मुक्ति नहीं हो पा रही हूं। जया विजय उचित कह रहे हैं, मुझे स्वयं जाकर अपने पुत्र को देख लेना चाहिए, तभी आश्वस्त हो सकूंगी मैं। सरस्वती का क्रोध जागृत हो गया और वो कुपित होकर यहीं आ रही है। सभी देवियां यहां आ गई और सबके मुख पर इतना अपार क्रोध झलक रहा है। Thank you.
मेरे अनुसार नेत्र पिता के हैं, किंतु इनकी सौम्य और मन भावन मुस्कान आपकी है देवी पार्वती। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। अब मन शांत हो गया आप सभी देवताओं का? आप लोगों को ज्ञात भी है कि क्या कर बैठे हैं आप? जानते हैं ये बालक कौन था? ये देवी पार्वती का पुत्र था। माता पार्वती का पुत्र? ये कैसे संभव है? महादेव तो स्वयं भी बंदी थे गजासुर के उदर में। ज्ञात है मुझे अग्निदेव, किंतु उसी समय देवी पार्वती अपना पुण्यक व्रत संपन्न कर रही थी। उन्होंने पुण्यक व्रत पूर्ण कर मेरे स्वामी श्री हरि से पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया था। आपने दृढ़ता और निष्ठा के साथ पुण्यक व्रत पूर्ण किया। स्वामी से प्राप्त वरदान के फल स्वरूप देवी पार्वती ने अपने शरीर के उतरे उपटन से ही एक आकृति का निर्माण किया और वही आकृति सजीव होकर पार्वती पुत्र के रूप में प्रकट हुई। अपने उसी पुत्र को द्वार की रक्षा के लिए छोड़कर देवी पार्वती महादेव के कैलाश आगमन के पूर्व मंगल स्नान करने गई थी। इसीलिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनका पुत्र किसी को भीतर नहीं जाने दे रहा था। ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। किंतु आप सभी ने देवता होते हुए भी इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया कि उस बालक को अपने प्राणों से ही वंचित होना पड़ गया। नंदी, मैं तुम्हें अपने व्रत स्थल की रक्षा का दायित्व देती हूँ। मेरा व्रत पूर्ण होने तक यहाँ किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी का से मेरा अर्थ है, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। जो आज्ञा माता। देवी पार्वती के पुत्र का अंत हुआ, बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया हम सबसे। जो हुआ वो अनर्थ था, किंतु जो अब होने जा रहा है उसका आप सब अनुमान भी नहीं लगा सकते। आप सबके द्वारा उसे उत्तेजित कर उसकी उद्दंडता को बढ़ावा देना देवी पार्वती के प्रिय पुत्र के वध का कारण बना। आप सभी देवता इसके दोषी हैं और शीघ्र ही देवी पार्वती यहाँ अवश्य पहुंचेंगी। और जब यहाँ पहुंचने पर उन्हें ज्ञात होगा कि इतने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जिस पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई थी आप लोगों से युद्ध में उसका अंत हुआ है, तो उनकी क्रोधाग्नि जागृत होगी। तब उसके भीषण परिणाम का सामना आप सभी कैसे कर पाएंगे? बोलिए देवराज। आदि शक्ति का क्रोध अर्थात सृष्टि का विनाश। देवी पार्वती के क्रोधाग्नि को शांत करने की क्षमता है किसी में? उनके क्रोध से किसी का भी बचाव संभव नहीं।